I do this every season. I hate it when summer comes. I fall into a trap that I made by myself. Hello, assalamu alaikum, namaskar, welcome back to my YouTube channel SM Videos. I hope you all are doing absolutely fine guys. तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से. नया साल शुरू हो चुका है 2022. आज है 1 जनवरी. तो आज सैटरडे है, आज मेरा वीक ऑफ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना ले. और ये दिन भी अच्छा है क्योंकि 1 जनवरी है, साल की शुरुआत तो कुछ अच्छे तरीके से होनी चाहिए जिससे कि हमारा साल भी उसी तरीके से गुजरते रहे. और आज सैटरडे हमारे बिल्डिंग के ठीक सामने जो है गार्डन है जिसमें जो है सारे बच्चे आके यहाँ पर खेल कूद रहे हैं और आवाज़ें आपको आ रही होगी तो इसी के लिए. और शाम का वक्त है, सूरज मेरे सामने, गोल्डन आवर्स है, इससे अच्छी लाइटिंग और क्या हो सकती है. तो मैंने सोचा कि नीचे ही आके जो है वीडियो बना लेते हैं. सो दिस इज़ माय कंपाउंड, ये हमारी सोसाइटी बिल्डिंग की एंट्री तो यहीं पर है. और साथ ही में मदरसा भी है यहाँ पर, तो वहाँ पर भी पढ़ाई चल रही है, यहाँ पर खेल कूद चल रहा है. आपको दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे. और ये है मदरसा, यहाँ पे पढ़ाई होती है, यहाँ पे खेल कूद. ये इतना बड़ा गार्डन हमारे बिल्डिंग के ठीक सामने. सो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑफ द ईयर, तो 2022 वीडियो नंबर 1. टाइम था जब अवेयरनेस नहीं होती थी, तब लोगों को ऐसा लगता था कि वेट लॉस और स्टमक का जो फैट है वो कम करने के लिए रात का खाना बंद कर देना चाहिए, रात में चावल नहीं खाना चाहिए, ऑयली थिंग्स नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए. ऑब्वियसली वो सही बात है, आज की डेट में भी आपको जो है ये सारी चीज़ें करनी होती है. लेकिन भूखा पेट नहीं सोके एक चीज़ आई थी कि भाई आप रात में रोटी खा सकते हो. तो जब लोगों को पता चला रोटी खा सकते हैं वेट लॉस करने के लिए रात के टाइम पर, तो लोगों ने वो खाना चालू किया. जब थोड़ी और अवेयरनेस बढ़ी, जैसे कि इंटरनेट को एक्सेस हो गया हर सभी, तो मालूम पड़ा कि भाई आप लोग जो है ओट्स खा सकते हो रात के टाइम पे, या म्यूसली खा सकते हो. ओट्स जो है बेसिक है, अगर आपके पास में और बजट है तो आप म्यूसली खाओ. म्यूसली से भी बढ़कर जो है आज की तारीख में आ गया है हाई प्रोटीन म्यूसली. ठीक है, तो हाई प्रोटीन म्यूसली में जो है आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि उसमें हाई प्रोटीन रहता है जो आपकी बॉडी को क्या बोलते हैं कि मसल गेन करने के लिए हेल्प करता है. तो अगर आप लोग हार्ड वर्क करते हो, फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हो, तो आपको हाई प्रोटीन म्यूसली ऐड करना चाहिए अपनी डाइट के अंदर. अभी आप लोग आगे वो देखोगे जो देखने के लिए आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया था, तो आगे का कंटेंट देख लीजिए. तो अभी देख लेते हैं वो चीज़ जिसके लिए आप लोगों ने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया था. तो वो चीज़ है ये, मेरे पास आया है मसल ब्लेस का प्रोबायोटिक म्यूसली. तो प्रोबायोटिक म्यूसली में ऐसा है कि ये हाई प्रोटीन म्यूसली है जिसके अंदर जो है आपको चोको क्रैनबेरी फ्लेवर जो है मुझे मिला है यहाँ पर. और ये कितने ग्राम का है, 40 ग्राम्स का है. तो इसमें जो है एडेड फ्लैक्स सीड्स है और पावर ऑफ क्रैनबेरी कंटेंस प्रोटीन, जैसे कि ये हाई प्रोटीन म्यूसली है तो इसी के लिए इस पर हाई प्रोटीन लिखा गया है. और अगर इसको अगर हम बनाने की बात करें, जो पीछे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सर्विंग सजेशंस, तो 200 ml में जो है आपको इसको लेना है, चाहे आप पानी में लो या दूध में लो. मैं यूजुअली पानी में लेता हूँ इसको. और अगर आपको नरम चाहिए, एकदम सॉफ्टनेस चाहिए, तो गर्म में लीजिए. अगर आपको क्रंचीनेस चाहिए म्यूसली के अंदर, तो आप उसको जो है ठंडे पानी या ठंडे दूध में ले सकते हो. अदर देन दैट इसमें लिखा हुआ है अगर आपको और मीठा चाहिए तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप हनी मिक्स कर सकते हो. लेकिन हाल फिलहाल में मैं अभी इसमें कोई भी हनी यूज़ नहीं करूँगा और देखूँगा कि इसका टेस्ट कैसे आता है. ठीक है, सेकेंड थिंग, ऐड फ्रेश फ्रूट्स एंड टू गार्निश एंड मिक्स ऑल इन्ग्रीडियंट्स वेल. तो अगर आपको इसको गार्निश करना है फ्रूट्स या फिर और ड्राई फ्रूट्स से, तो आप लोग जो है इसे कर सकते हो. ठीक है, तो ये 40 ग्राम्स का था. और 40 ग्राम्स में आपको मिलता है प्रोटीन 9.63 ग्राम्स का, अगर आप इसको दूध में लेते हो तो. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है. अगर आप 100 ग्राम्स का अगर म्यूसली ये वाला खाते हो वन सर्विंग में, तो आपको मिलता है 11.57 ग्राम ऑफ प्रोटीन. ठीक है, तो ये उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स है. और बाकी तो इसके अंदर फैट्स वगैरह है और टोटल शुगर्स, एडेड शुगर और डाइट्री फाइबर्स ये वगैरह भी है, जिसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी. आप जो है साइट पर जाके उनकी चेकआउट कर सकते हो. ठीक है, तो ये है मसल ब्लेस का चोको क्रैनबेरी फ्लेवर म्यूसली हाई प्रोटीन वाला. तो
तो अभी हम इसको बनाने का देखेंगे। मेरे पास जो है केटली है, इसके अंदर गर्म पानी मैंने कर लिया हूँ, कटोरी और एक स्पून, और उसके अंदर ये डालूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अपन फाड़ लेते हैं। ये जस्ट फॉर एक रिव्यू पर्पस है, तो इसी के लिए मैं बस आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अगर इसके अंदर की खुशबू की बात करूँ तो चॉकलेट की जो है खुशबू आपको इसमें मिलेगी। और दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट टाइम जब मैं जो है म्यूसली यूज़ कर रहा हूँ, मैंने पहले भी यूज़ कर चुका हूँ म्यूसली और योगा बार का। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके आप देख सकते हो, आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ पर जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो दिखाता हूँ आपको इसका टेक्सचर और लुक कैसा है, क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर में है तो इसी के लिए सारा जो म्यूसली है, जो भी इंग्रेडिएंट्स है, वो सारा कुछ जो है ब्राउन में है यहाँ पे। तो इसका कलर कुछ इस तरीके से है, ब्राउन है, जैसे कि ये जो है चॉकलेट फ्लेवर है और इसके अंदर जो है रेजिन्स है और अलग अलग टाइप के रेजिन है। ये देखो, ये है ब्राउन टाइप में, ये ग्रीन वाला, और इसके अंदर क्रैनबेरी जो पम्पकिन सीड बोलते हैं वो भी है इसके अंदर, और एलमंड्स भी है पीसेस कटे हुए। तो ये सारा कुछ जो है इसके अंदर कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी अपन इसमें डालेंगे पानी। मैं पानी इतना मिलाता हूँ कि जो है म्यूसली पूरी तरीके से सोक हो जाए, और मिलाने के बाद में मैं इसे जो है छोड़ देता हूँ। तो अगर इसको जो भी वाटर अब्सॉर्प्शन करना होता है वो कर लेता है। अभी थोड़े टाइम के लिए इसको मैं छोड़ दूंगा और उसके बाद में फिर आपको बताता हूँ कि ये कैसे दिख रहा है। तो मैंने इसको कुछ 15-20 मिनट्स छोड़ दिया था, तो ये जो है पूरा पानी सोख कर गया है। देखो, ये कुछ ऐसा हो जाता है। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, हल्का सा दूध डाल देता हूँ, अराउंड 2-3 स्पूंस। तो वो डालने के बाद में मैं इसमें शहद डाल देता हूँ, तो देखूँगा अगर अभी इसको शहद की ज़रूरत है या नहीं। ऑलरेडी तो आ गया है अभी टाइम इसको खाने का। तो ये जो है पूरी तरीके से सोख हो चुका है, जितना पानी मैंने डाला था पूरा का पूरा सूख चुका है। अभी इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ थोड़ा सा दूध, जिससे सिर्फ एक हल्का सा टेक्सचर आ जाए, थोड़ा सा गीला हो जाए। इसमें मैंने थोड़ा जो है शहद भी निकाल लिया हूँ यहाँ पर, सो इफ़ इन केस मुझे और स्वीटनिंग की ज़रूरत रहेगी तो मैं मिला लूँगा। अभी पहले टेस्ट करते हैं इसको, टेक्सचर में आ गया है, मुझे ऐसे ही पसंद है एकदम। लेट्स टेक वन बाइट। अपने को शहद की ज़रूरत है इसमें। तो अगर टेस्ट की बात करूँ तो जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया था कि मैं एक म्यूसली खा चुका हूँ, तो म्यूसली का टेस्ट वैसे ही है, बस जो है थोड़ा फ्लेवर अलग है, जिसमें कि इसके अंदर जो है मुझे कॉफ़ी का फ्लेवर आ रहा है, और शहद मिलाने के बाद में आई थिंक वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा और जैसा मुझे चाहिए वैसा हो जाएगा। जो अभी तक मैंने टेस्ट किया हूँ उसी तरीके से रहेगा, क्योंकि मैंने एक बार चॉकलेट फ्लेवर म्यूसली भी यूज़ किया है, खाया हूँ मैंने, तो उसका भी कुछ इसी तरीके से फ्लेवर था, बट वो थोड़ा चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा था उसमें, बट वो नॉर्मल म्यूसली था, हाई प्रोटीन म्यूसली नहीं था। अभी ये मेरे को ठीक लग रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मुझे बस इसके बारे में आपको कुछ बताना था, इसका टेस्ट, मिक्सिबिलिटी और कैसा रहता है उसके बारे में। तो इस वीडियो में मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे हो, कुछ भी हेल्पफुल लगाओ, तो प्लीज़ इस वीडियो के ऊपर लाइक कर देना, औरों के साथ में शेयर कर लेना। मेरे चैनल पर पहली बार आकर सब्सक्राइब कर लेना। करते इस वीडियो को यहीं पर खत्म। आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, राइट सेफ, बी सेफ, रिस्पेक्ट योर मॉम, रिस्पेक्ट योर फैमिली, एज ऑलवेज, अल्लाह हाफ़िज़।